भोपाल में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सभी मोर्चा प्रकोष्ठ की टीम मौजूद रहेगी। सदस्यता अभियान को लेकर दिया जाएगा बड़ा टारगेट। सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां भोपाल में आज बीजेपी एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में मुख्य रूप से सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा होनी है। प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है। सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल रहेंगे और बैठक में सभी मोर्चा प्रकोष्ठ की टीम भी तैनात रहेगी। सदस्यता अभियान को लेकर बड़ा टारगेट दिया जाएगा। सीएम, संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल रहने वाले हैं। इस अवसर पर भगवान दास सदनानी जी, प्रतिमा भागवी जी, हमारे हरि जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान वरिष्ठ विधायक, अभी क्या मौसम है, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हरिचंद अधिक जी और पहले अनुसूचित मोर्चे के उस टाइम अभी प्रभारी और रजनीश अग्रवाल जी, मैं अपने इस भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दो तरह से बात छोटे में करके जाना है क्योंकि तुरंत ग्वालियर निकलना है, इसीलिए मैं सबसे पहले बता दूंगा हूं। और हम सब ने देखा कि धूमधाम से आपने क्या करा, आज की काल की धूमधाम से आनंद से जन्माष्टमी मनाई, उसके पहले हमारा रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाया। लेकिन जैसे कि हमने सबने तय किया, हमारी सरकार बनने के बाद महिला, युवा, किसान, सभी प्रकार के चारों स्तर के माननीय मोदी जी जो बात कही है, ऐसे में रोजगार परक व्यवस्थाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उसी नाते से अपने संभाग की इन्वेस्टर समिट इसी का क्रम जारी, इसमें उज्जैन, जबलपुर, आज ग्वालियर है, आगामी सितंबर में सागर है, फिर रीवा है और इसी के साथ साथ समान रूप से रोड शो भी हमारी सरकार के लिए इन्वेस्टर अधिकतम आए, इसलिए वो जहां इन्वेस्टमेंट बात चलता बड़ी बड़े बड़े केंद्र है उस स्थान पे जाकर भी उसको आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुंबई मुंबई के बाद कोयम्बटूर, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, 19 सितंबर को मैं कलकत्ता जा रहा हूं, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, ये क्रम भी समान रूप से बनाए गए और मुझे इस बात का संतोष है हर तरफ से हर जगह से सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है हमारे क्षेत्र में। लगातार जहां हम इन्वेस्टर सबमिट करते हैं वहां केवल इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं करते, उसी स्थान से पूरे प्रदेश के अंचल में अलग अलग स्थान पर कोई नई। और खबर ग्वालियर से, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज शुरू होने जा रहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। देश विदेश के उद्यमियों और निवेशक पहुंचने वाले हैं। 27 इकाइयों में 1421 करोड़ का निवेश होगा, 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डॉक्टर मोहन यादव पर कर सकते हैं कई घोषणाएं और इस दौरान सीएम 27 उद्योगों का लोकार्पण भूमि पूजन भी करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी है, जहां ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज शुरू होने जा रहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। देश विदेश के उद्यमी और निवेशक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये देखिए किस तरीके से कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, ये छोटी छोटी जो झांकियां लगाई गई हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें जानकारी दी जा रही है कि मध्य प्रदेश के कोने कोने में किस तरीके से अलग अलग जो कलाकार हैं वो निकलकर सामने आए हैं। ग्वालियर में आज होने जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने जा रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ये एक अनोखा पहल शुरू किया है, इससे प्रदेश में ऐतिहासिक निवेश आने की उम्मीद है। निवेश के लिए सरकार क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन करने जा रही है जिससे प्रदेश में हर सेक्टर में निवेश आएगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। मीठे, मुझे भरोसा है कि अभी तक की जितनी इन्वेस्टर समिट हुई उसमें ये अच्छी, बहुत अच्छी इन्वेस्टर समिट होगी।
और जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है बड़े पैमाने पर लोग पहुंच रहे हैं, अब मैं भी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहा हूं। और जो हमने ये अभियान चालू किया संभाग संभाग में इन्वेस्टर सबमिट करने का, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और जिस ढंग से लोग भरोसा कर रहे हैं हम पे, हम भी वो अपनी अपेक्षाओं के खरे उतरे हिसाब प्रबंधन किया है। बड़े पैमाने पर युवाओं को, खास करके युवाओं को रोजगार की दिशा में ये बड़ा एक रोल अदा करेगा और नवीन उद्योगपति हमारे स्टेट के भी बने, अपना व्यवसाय बढ़ाए, काम धंधा बढ़ाए, कुल मिलाकर जीडीपी बढ़ाने में ये बड़ा योगदान रहेगा। और सीधे रुख करेंगे ग्वालियर से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन और आज मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करने वाले हैं संबंधित, और क्या कुछ जानकारी, क्या तैयारियां वहां पर? बिल्कुल रीनू, देखिए तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां यहां पर की हैं। तमाम जो उद्योगपति जो इन्वेस्टर्स हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो अभी शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है एक सेमिनार हॉल है जिसमें पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तकरीबन 12 बजे के आसपास सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग डिफेंस का इलाका और ऐसे में डिफेंस को लेकर यहां अपार संभावनाएं मानी जा रही है कि इसमें बड़ा निवेश डिफेंस को लेकर आ सकता है। और जिस तरीके से यहाँ सरसों की पैदावार की बात हो, गेहूं की पैदावार की बात हो, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इस बार उम्मीद ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा से ज्यादा लोग फूड प्रोसेसिंग के लिए आएंगे। क्योंकि देखिए व्यापक जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं मिलती है, चाहे वह एयर कनेक्टिविटी की बात हो, दिल्ली से बेहद नजदीक इलाका होता है, रेल मार्ग यहाँ पर है, तो सभी सुविधाएं जो है वो निवेशकों को इस इलाके में मिलती है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है खासकर फूड प्रोसेसिंग को लेकर हो या फिर डिफेंस को लेकर जो वो बड़े इन्वेस्ट आ सकते हैं। हालांकि अभी तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बड़े निवेश जो है वो लगातार इन कॉन्क्लेव के जरिए आ रहे हैं, चाहे वह उज्जैन का कॉन्क्लेव हो, जबलपुर का कॉन्क्लेव हो या फिर अब जो ग्वालियर में कॉन्क्लेव हो रहा है। देखिए ग्वालियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि अगर एक समय की बात करूं तो यह इलाका पूरा इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, देश विदेश के जो बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर इन्वेस्ट करते थे, लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि यहां पर इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे खत्म होती गई। और ऐसे में अब उस इंडस्ट्री के वैभव को पुनः एक बार स्थापित करने का मौका जो है वो इस सरकार के पास है। सरकार के चाहे मंत्री हो, स्थानीय सांसद हो, सबका यही कहना है कि एक बार फिर जो ग्वालियर चंबल संभाग का इंडस्ट्री का वैभव था उसे लौटाने का प्रयास जो है वो उस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए किया जा रहा है। तो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचेंगे, तमाम जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। डिफेंस कॉरिडोर की जो मैं बात कर रहा था, यहां पर एक एग्जीबिशन जो है वो लगाया गया है, खासकर वो डिफेंस जो चीजें हैं या ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह की जो बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट के तहत क्या क्या चीजें बनती हैं, किस तरीके से क्या, वो सब कुछ आपको मैं दिखाने का यहाँ प्रयास करूंगा। तो देखिए ये जो डिफेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो डिफेंस को लेकर यहाँ पर स्पेशल जो है वो यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। इसमें सभी चीजें दिखाई गई है कि किस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग के जो BSF है, खासकर BSF में किस तरह की चीजों का निर्माण होता है और क्या क्या चीजें यहाँ पर बनती है, ये इस पूरे इसके जरिए आप देखिए बाकायदा प्रदर्शनी लगाएगी ताकि जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ आए हम उनसे जो वो उनसे वो यहाँ पर समझ सके, कुछ सेना के अधिकारी हमारे साथ उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर किस तरह की सर एक जस्ट जी जी, तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो टेक्नोलॉजी से लैस जो चीज़ें बनाई गई हैं BSF की तरफ से वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पहुँच रहे हैं, जो रक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने चाहते हैं, वो यहाँ पर इन चीज़ों को देख सके कि कैसे पहले से भी ग्वालियर चंबल संभाग में BSF जो है वो तमाम आयोजित चीज़ों को निर्माण कर रहा हो, चाहे वह ड्रोन की बात हो, गन्स की बात हो, तो इस तरह के जो तमाम जो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो ये समझ सके ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह की चीजों का निर्माण लगातार यहाँ हो रहा है और किस तरह की अपार संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, और तरक्की के क्षेत्र में ग्वालियर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से वेपन्स तैयार हो रहे हैं और ये कितने क्षमता वाले हैं, ये तमाम चीजों की बारीकी, इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉल लगाए गए हैं शैलेंद्र, और हम देख पा रहे हैं वहां पर स्टूडेंट्स भी मौके पर मौजूद है, यानी कि जो छात्र हैं जो नए नए इनोवेशन करते हैं और उनको उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होगा एक बड़े स्टेज पर अपनी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए।
बिल्कुल देखिए, न केवल उद्योगपति बल्कि जो मैनेजमेंट के बच्चे हैं, जो इंडस्ट्री के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो बारीकियाँ समझ सकें कि जब आप इन्वेस्ट करने आते हैं या कोई भी उद्योगपति आता है किस तरीके से वो उद्योग लगाता है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ की गई। लेकिन सबसे खास मैं आपको बता रहा था कि डिफेंस के मामले में ग्वालियर चंबल संभाग बेहद समृद्धशाली है, क्योंकि यहाँ BSF हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, CRPF हो, सभी के जो है वो यहाँ पर टुकड़ियाँ हैं और बड़े बड़े कैंप हैं। तो ऐसे में रक्षा को लेकर देखिए तमाम जो है चीजें वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं ताकि जो लोग रक्षा के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं वो आसानी से समझ पाए कि किस तरीके का निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं बाकी स्टॉल दिखाने का मैं आपको प्रयास करता हूँ कि और भी जो अलग अलग कंपनियां हैं उनकी तरफ से भी स्टॉल लगाए गए हैं ताकि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर समझ सके। खासकर देखिए मृगनयनी की बात होती है, चंदेरी की साड़ियों की बात होती है, ग्वालियर चंबल संभाग से में इनका निर्माण होता है, तो ऐसे में जो ग्वालियर चंबल संभाग में जो वर्तमान में इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनमें किस तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं वो भी यहाँ दिखाने का प्रयास जो है वो किया गया है ताकि जो इन्वेस्टर आए वो ये समझ पाए कि ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह की आबो हवा है, किस तरह की यहाँ पर चीजें हैं और जो वर्तमान में लोग इंडस्ट्रीज यहाँ पर संचालित कर रहे हैं उनसे वो रूबरू हो सके और उनसे ये जान सके कि मध्य प्रदेश के खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह की संभावनाएं जो है वो है। और हम देख पा रहे हैं कि मेला सा लगा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र।